अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज SPSS के सिलसिले में हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि वेरिएबल्स को कंप्यूट कैसे करते हैं, स्पेशली जो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेज में, जैसे मोटिवेशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, इंटेलिजेंस है, या और इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स हैं, इनको कैसे कंप्यूट करते हैं ताकि फर्दर एनालिसिस इनका किया जा सके। सो कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय नंबर, ईमेल एड्रेस एंड यूट्यूब चैनल। दिस चैनल यू कैन हैव 300 वीडियोस अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जनाब तो तैयार हैं फिर? आपने अगर वो पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने ये बात की थी कि क्वेश्चनर एंटर कैसे करते हैं, तो काइंडली वो वीडियो भी देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम हमारे पास हमारे पास ये वेरिएबल है जो हमने लास्ट हमने एंट्री की थी, एज, एजुकेशन और EI1, इमोशनल इंटेलिजेंस 1 की स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये इसका डेटा है और ये हमने इसकी एंट्री की थी। ये था हमारा क्वेश्चन हियर, जो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। डेमोग्राफिक्स हैं इसके, ठीक है, हमने दो ऐड किए थे जस्ट टू टेल यू कि कैसे डेमोग्राफिक्स को SPSS में ऐड किया जाता है। और ये हमारा वेरिएबल था इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हमने ऐड किया था यहाँ पर। देखें ये EI1 स्टेटमेंट है, आई नो व्हेन एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये इसकी पहली स्टेटमेंट है, आई नो व्हेन टू स्पीक अबाउट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में इसको कंप्लीट किया हुआ है, आप इसको देख लें, ठीक है। अब हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि जब हम क्वेश्चनर को एंटर कर देते हैं और डाटा एंटर कर देते हैं उस क्वेश्चनर के ऊपर, तो फिर फर्दर एनालिसिस से पहले हमें कंप्यूट करना होता है वेरिएबल। तो अब आप देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे है कंप्यूट वेरिएबल, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसको जब आप क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो वेरिएबल था वो क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में EI लिख देते हैं, आप बेशक पूरा लिख दीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो स्टेटमेंट थी, ये देखें, ये पहले एज है, एजुकेशन है, ये जो डेमोग्राफिक्स हैं ये सारे ये इसका हिस्सा नहीं थे। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास ये वाली थी, ठीक है, आई नो इट्स व्हेन टू स्पीक वगैरह। तो इसको ये इधर से आप क्लिक करेंगे दिस, तो ये देखें EI1, आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखें EI1 वाली स्टेटमेंट यहाँ पर आप इसके पास ऐड हो रही है, ठीक है। फिर प्लस को क्लिक करेंगे, फिर दूसरी स्टेटमेंट है, इसको भी इसी तरह करके प्लस, फिर तीसरी स्टेटमेंट है, इसको भी करके प्लस, ये चौथी स्टेटमेंट, ये चार हमने लास्ट इसमें एंटर की थी, ये देखें आपको नजर आ रही है EI1, EI2, EI3, EI4, EI1, EI2, EI3, EI4, ये हमने कल चार एंटर की थी। तो आपके क्वेश्चनर में जितनी भी होंगी, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जैसे कि इस क्वेश्चनर में 33 स्टेटमेंट्स या 33 आइटम्स थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो वो आप वो जब क्वेश्चनर एंटर करेंगे तो सारी यहाँ पर एंटर हुई होंगी, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, तो सारी की सारी आपने इधर ऐड करनी है, एंड हेयर यू विल प्रेस ओके, ठीक है। तो ये देखिए आपको आप भी गया कि जी आपका एक वेरिएबल क्या हो गया, कंप्यूट हो गया, और इसके अंदर ये चार आइटम्स, ठीक है। इसी तरह अब हम दोबारा दूसरा जो हमारा वेरिएबल था, आपको देखें क्वेश्चनर में बता दूँ, पहला था इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, और दूसरा हमारा वेरिएबल इस क्वेश्चनर के अंदर था जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब हम जॉब परफॉर्मेंस के लिए करेंगे इसी तरह ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट, और ये है हमारे पास, देखें 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट हम पहले कर चुके थे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, आप यहाँ पे पूरा लिख लें जॉब परफॉर्मेंस, ये है इसकी स्टेटमेंट, आई अचीव अनयूजुअल सेल्स वगैरह, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे प्लस, ये दूसरी स्टेटमेंट है, इसको भी क्लिक करेंगे प्लस, हो गया, और यहाँ पर हमारे पास इसको कर देंगे ओके। तो ये देखें दूसरा भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने लास्ट इसमें दो ही की थी, ये देखें दो स्टेटमेंट ही डाली थी, तो इसमें भी जितनी भी स्टेटमेंट आपने डाली होंगी वो आपने यहाँ एंटर कर दी। तो अब देखें आपके पास EI और JP दो वेरिएबल यहाँ पर कंप्यूट हो गए हैं। तो अब देखें अगर आप इसमें जाएंगे कंप्यूट में, तो आपके पास ये वेरिएबल नजर आ रहे हैं EI JP। फर्ज करें आपका EI डिपेंडेंट वेरिएबल है या JP इंडिपेंडेंट है, जो भी है, तो उसको आप एनालिसिस के लिए जा सकते हैं आगे। मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी, लेट सपोज हम रिग्रेशन रन करना चाहते हैं, तो अब देखें ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का खाना है, ये इंडिपेंडेंट का है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल वैसे ही बता रहा हूँ आपको, और ये आपका इंडिपेंडेंट है तो इधर डालेंगे और आप एनालिसिस कर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप एनालिसिस करने से पहले, चाहे वो रिग्रेशन है, कोरिलेशन है या कोई भी एनालिसिस करेंगे, तो उससे पहले आपके पास ये अपने वेरिएबल कंप्यूट करने होते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।